जब मैं 11 साल का था तो मुझे लगा कि अगर मैं घर से भाग के शहर चला जाऊं तो मैं अमीर आदमी या हीरो बन जाऊंगा। तो मैंने एक दिन मामा जी के जेब से 900 रुपये चोरी किया और ट्रेन पकड़ा और सीधा दिल्ली आ गया। स्टेशन पे जो बच्चे कबाड़ी चुनते हैं उन्होंने मुझे रोते हुए देखा तो वो मेरे पास आया और मेरे से आकर के पूछा कि ओए घर से भाग के आया है। और 2-3 दिन के बाद मैं भी उनके साथ एज ए रैक पिकिंग का काम करने लगा। पुलिस वाले मारते थे, प्लेटफॉर्म में थोड़ी सी लड़ाई भी हो जाए तो सीधा हाथ से लड़ाई नहीं होती थी, बेसिकली ब्लेड से लड़ाई होता था। तो हमेशा डर लगा रहता था कि किसी दिन किसी के लड़ाई में वो गाल पे ब्लेड ना मार, तो वो एक डर था। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं प्लेटफॉर्म पे नहीं रहूँगा। तो मैं एक ढाबे में गया और उन तो उन्होंने मुझे काम दिया जो डिश वॉशर का। दिन एक भैया आए तो उन्होंने मेरे से पूछा तुम्हारी उम्र तो अभी पढ़ाई लिखाई करने की है, और फिर मुझे एक संस्था भेज दिया, सलाम बालक ट्रस्ट। मैं जिस तरह का फैमिली से आता हूँ ना, मैं बड़े ड्रीम्स नहीं देख सकता था, सोच भी नहीं सकता था। मतलब तो मैं क्या करता था, शादी घरों में जाके लाइटें उठा लेता था या वेटरिंग कर लेता था, और उससे जो पैसे मिलते थे उससे जाके रोल खरीदता था और मैं फोटो अपना कंटिन्यू शूट करता था। उसके बाद 2007 में मेरा पहला एग्जीबिशन लगा स्ट्रीट ड्रीम्स के नाम से। That is my first exhibition in 2007. Then I'm very nervous because I have no idea people what kind of question ask me, because I have totally no idea what I say about the picture. But now I have good confidence. मुझे फिर 6 महीने के लिए न्यूयॉर्क बुलाया वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का रिकंस्ट्रक्शन शूट करने के लिए। उसके लिए लाइक मुझे रिकग्नाइजेशन भी मिले। लाइक 2016 में मैं फोर्ब्स एशिया 30 अंडर 30 लिस्ट में था। लास्ट ईयर वोग मैगजीन के 40 अंडर 40 लिस्ट में था। मेरी फिलोसफी है कि कुछ भी प्रॉब्लम हो वो मेरे अंदर है प्रॉब्लम, बट मैं काम में कभी कमी नहीं दूंगा। तो मैं अपना काम ईमानदारी से और कॉन्फिडेंस के साथ करता हूँ।